एपिसोड सिक्स की स्टार्टिंग में जीशु और यूकिन स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर जिन खड़ा होता है जिन यूकिन को देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ क्या पता ये जीनियस कब बीस्ट बन जाए इस पर जीशू कहता है की ठीक है फिर तुम इसको प्रोटेक्ट जरूर करो अब जिन कहता है कि वो तो करूंगा जरा तुम ये सब देखो ये वो लव लेटर्स है जो यूकिन ने मुझे लिखे है ये देख कर यूकिन कन्फ्यूज हो जाती है और कहती है लेटर्स वो भी मेरी तरफ से अब यूकिन वो लेटर्स पढ़ती है तो इस पर लिखा होता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पीने को है मुझे प्यास लगी है मुझे अपना स्टेपलर दे दो ये पढ़कर यूकिन कहती है कि मुझे याद आया मैं तो अपना स्टेपलर लाना ही भूल गई जिन कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे पास तुम्हारी जरूरत की हर चीज है और जीशु तुमने देखा ये सब कुछ प्यार का मतलब होता है एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्स करना और आज मैं कुकिंग कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगा और यूकिन को प्रपोज कर दूंगा अब वो तीनों बस में से उतर कर स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तभी यूकिन को फिर से वही पेन सेलर आकर रोक लेता है वो लड़का कहता है कि उस दिन तो आपके पैसे नहीं थे लेकिन आज जरूर होंगे इसलिए आज कुछ जरूर खरीद लो और अगर तुमने आज ये पेन ना खरीदा तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होगा देखो तुम्हारे सर पे बैड लक मन ला रहा है इसलिए इस पेन को गुड लक के लिए ले लो मैं तुम्हें ये दो पेन तीस डॉलर में दे देता हूँ यूकिन इससे वो पेन पकड़ कर कहती है की तीस डॉलर के दो अभी यूकिन इस पर वो पेन फेंक कर वहाँ ऐसी भाग जाती है उस लड़के के पास जिन आ जाता है और कहता है की वो ये नहीं खरीदना चाहती तुम इसे क्यूँ तंग कर रहे हो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ इससे दूर रहो इस पर वो लड़का कहता है की तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले मेरी मर्जी में जिससे चाहूँ तंग करूँ इस पर जिनको गुस्सा आ जाता है और जिन कहता है क्या तुम मार खाना चाहते हो तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और जिनको रोकती है तभी वो लड़का इस लेडी के पीछे खड़ा हो जाता है और विक्टम बनने लग जाता है और कहता है कि ये मुझे मारने लगा था मैं तो सिर्फ पेन बेच रहा था इस पर जिनको गुस्सा आ जाता है और जिन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो इस पर वो लेडी कहती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो चलो मेरे साथ मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर चलती हूँ दूसरी तरफ युकिन एक पार्क में आ जा जाती है तभी वहा वो लड़का भी आ जाता है और कहता है की देखो हम फिर से मिल गए ये सब किस्मत में लिखा है चलो अब जल्दी से चैरिटी के लिए पेन खरीदो तुम्हारा वॉलेट कहाँ है यूकिन उसे खुद से दूर करने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे ये नहीं चाहिए तभी वहाँ जीशु आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि इसे जाने दो दूसरी तरफ वो लेडी जिनको उसी पुलिस ऑफिसर के पास ले आती है जिसने उसे इलीगल स्टॉल लगाने पर अरेस्ट किया था ऑफिसर उसे देख कहता है की तुम फिर से आ गए जिन कहता है की सर मैंने कुछ नहीं किया ये सब बस गलत फहमी है इस पर वो लेडी कहती है कि मैंने इसे खुद एक लड़के से प्रोटेक्शन फीस मांगते हुए देखा है ये एक बुरा लड़का है इस पर वो ऑफिसर कहता है कि हम इस लड़के को सिर्फ आपके कुछ सोचने पर अरेस्ट नहीं कर सकते इसलिए इसे बोलने का मौका दें इस पर जिन कहता है कि मैं अभी जल्दी में हूँ इसलिए मुझे जाने दो आज मेरा कुकिंग कॉम्पिटिशन है दूसरी तरफ शीशु इस लड़के से कहता है की अगर तुमने इसे ना जाने दिया तो तुम्हें किसी की फ्रीडम को दबाने के लिए पाँच साल के लिए जेल जाना पड़ेगा तो क्या कहते हो क्या मैं पुलिस को बुलाऊ इस पर वो लड़का जाता है और यूकिन को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है यूकिन धक्का लगने से गिर जाती है इसलिए जीशु यूकिन की हेल्प के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है ये देखकर कर यूकिन को बहुत अच्छा लगता है अब यूकिन खड़ी हो जाती है अगले सीन में टीचर क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो रही है मुझे उम्मीद है की तुम सब ये टाइम अच्छे से स्पेंड करोगे ज्यादा किताबे पढ़ोगे और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे और एक जरूरी बात अगले सेमेस्टर में तुम लोग ग्रेड ट्वेल्व में एंटर होने वाले हो इसलिए मुझे उम्मीद है की तुम सब लोग स्कूल वापसी सेफ आओगे मैं सबका वेट करूंगा अब क्लास खत्म हो जाती है और सब स्टूडेंट्स चले जाते हैं लेकिन जिन कुछ बैठा सोच रहा होता है टीचर उसे देखते और आकर कहते हैं कि ब्रेक के दौरान ठीक रहना बाय अब जिन भी टीचर को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है यूकिन और इसके डैड सब के लिए खाना बनाकर लाते हैं डैड कहते हैं की मैं ये सब करने में ज्यादा अच्छा तो नहीं हूँ लेकिन मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है वैसे भी मैं पेन पेन से अच्छा नहीं हो सकता ये सब बस तुम लोगों की इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए है इसलिए थैंक्स इस पर मिसिस यंग कहती है की मैं इतने बड़े कुक से इतना ज्यादा प्रेस डिजर्व नहीं करती मुझे अभी भी स्मेल करके चीजों को जज करने में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है हम मिस्टर जियांग कहते हैं कि हम सब लोग खाना टेस्ट करते हैं इस पर जुशु कहता है कि ये वाली डिश वियर लग रही है ये सुनकर सब लोग इसकी तरफ देखने लग जाते हैं डैड कहते है की टोफू है ये यूकिन ने बनाए है क्यूँकी यूकिन भी कुछ बनाना चाहती थी यूकिन कहती है ये दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन हो सकता ये खाने में अच्छा लगे जुशु तो यूशु कहता है की मैं यूकिन की बनाई हुई डिश नहीं खाऊंगा लेकिन मिस्टर जियांग और मिसेज जियांग कहते हैं कि हम लोग ये जरूर टेस्ट करेंगे अब वो दोनों खाने को टेस्ट करने में तो बहुत हॉरिबल रिएक्शन देते हैं ये देखकर डैड भी खाना टेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं है लगता है यूकिन की कुकिंग अच्छी नहीं है इस पर मिस्टर जियांग कहते हैं की कोई बात नहीं आजकल तो वैसे भी वो लड़कियाँ बहुत रेह रहे हैं जिन्हें खाना बनाना आता है यूकिन भी उन्हीं में से एक है इस पर डैड कहते हैं की मैं तो फिक्रमंद हूँ की यूकिन शादी के बाद क्या करेगी इस पर मिसिस जियांग कहते हैं की आप लोग इस बात की फिक्र ना करें क्यों ना यूकिन यही रह ले हमारे पास में मैंने इस बारे में कुछ सोच रखा है क्यों ना जीशु और युकिन की शादी कर दी जाए ये सुनकर यूशु कहता है कि मैं एग्री नहीं हूँ मैं एक डमी को अपनी भाभी नहीं बनाऊंगा यूकिन भी काफी कंफ्यूज हो जाती है डेड कहते हैं कि मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनने में कोई एतराज नहीं है अब यूकिन कहती है कि मुझे एतराज है और आपको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए था कि बाकी अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेंगे इस पर मिसिस यंग कहती है कि मुझे तो लगता था कि युकिन जीशु के लिए सूटेबल है इस पर जीशु कहता है कि सूटेबल वो भी मेरे लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता इस पर यूकिन कहती है की वैसे भी मैं भी कौन सा तुम शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ इस पर जीशु कहता है की अच्छा है मुझे कुछ याद आ रहा है की कि किसी ने मुझे लव लेटर लिखा था अब जीशु यूकिन का लेटर पढ़ने लग जाता है कि मैं क्लास एफ की यूकिन हूँ मैंने तुम्हें स्टेज पर स्पीच देते हुए देखा मैं तब से तुम्हें लाइक करती हूँ ये सब सुनकर बाकी सब तो बहुत खुश हो रहे होते हैं लेकिन यूकिन बहुत इम्बेस हो रही होती है अब यूकिन जीशु को पुश करती है कहती है कि तुमने मेरा लेटर क्यों पढ़ा और तुमने सब कुछ याद भी कर लिया तुम बहुत बहुत बुरे हो ये सब सुनकर बाकी सब तो बहुत खुश होते हैं और यूकिन से इस सब के बारे में पूछने लग जाते हैं तभी जिन एक हीरो वाली एंट्री मारता है 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 और 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 आकर सबसे कहता कहता मैं मैं आप सब सब लोगों को अपने बारे में बताता हूं। मैं युकिन हूं। में बताता का क्लासमेट स्कूल हमको कपल की तरह जानते हैं इस पर यूकिन कहती है की ये कब हुआ तुम रियुमरस मत फैलाओ अब जिन कहता है की जीशु और यूकिन की शादी होना नामुमकिन है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ इस पर जीशु कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है हो सकता है जिस चीज को मैं पहले हेट कर था अब उसे लाइक करने लग जाऊ हो सकता है मुझे यूकिन पे एक सीक्रेट क्रश हो लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ की यूकिन मुझे सबसे ज्यादा लाइक करती है इस पर सब शौक हो जाते हैं खासतौर पर यूकिन और जिन अब मिसेज जियांग जिनको कहती है की तुम्हारा बहुत शुक्रिया सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमें पता लग सका कि जीशु के दिल में क्या है इस पर जिन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब क्यों हो गया अब अगले सीन में जूशु अपने होमवर्क में यूकिन के बारे में ड्राॅइंगस बनाता है दूसरी तरफ मिसिस जियांग और यूकिन डैड और मिस्टर जियांग को सीफ कर रही ही होती है मिसेज जियांग कहती है के लीव तुम मेरे लिए मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना इस पर वो लोग कहते हैं की फिक्र ना करो हम लोग तो बस दो दिन के लिए ही जा रहे हैं अब वो लोग चले जाते हैं और तभी मिसेज जियांग को कॉल आती है और मिसेिस जियांग काफी परेशान हो जाती हैं अब मिसेज जियांग यूकिन से कहती हैं कि मेरी मोम बहुत बीमार है इसलिए मुझे इनको देखने के लिए जाना होगा मैं यूशु को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ अब सिर्फ तुम जीशु ही घर में रहोगे इसलिए जीशु का ख्याल रखना इस पर यूकिन कहती है की आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैं सब संभाल लूंगी अब शु और मिसिस जियांग एक होटल में बैठे होते हैं युशु कहता है कि आपने तो कहा था कि ग्रैंड बीमार हैं फिर हम यहाँ क्यों आए हैं इस पर इसकी मोम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है ये सब तो मैंने जीशु और यूकिन को पास लाने के लिए किया है इस पर युशु को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ इस पर इसकी मोम इसे रोकने लग जाती है दूसरी तो तरफ यूकिन बहुत बुरे तरीके ऐसी कुकिंग कर रही होती है तभी वहाँ जीशु आ जाता है और कहता है की तुम ये सब साफ करो मैं कुकिंग करता हूँ अब जीशु खाना बनाता है खाना बनाने के बाद वो लोग बैठ खाना खाने लग जाते हैं यूकिन खाना टेस्ट करती है और जीशु के खाने की तारीफ करने लग जाती है अब यूकिन कहती है की क्या तुम मुझे मेरा समर होमवर्क करने में हेल्प करोगे इस पर जीशु कहता है की मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा और ये डिशेज तुम धोकर रख देना अब यूकिन रात को बैठी खुद ऐसी अपना होमवर्क करने की कोशिश करती है लेकिन यूकिन को कुछ समझ नहीं आता इस पर यूकिन कहती है कि क्यों ना मैं किसी का होमवर्क कॉपी कर लूं। अब यूकिन जीशु के रूम में इसकी नोटबुक लेने के लिए आ जाती है जीशु सोया हुआ होता है लेकिन यूकिन को युशु की ड्राइंग बुक मिलती है यूकिन इसे देखती है तो उसे अपने बारे में सब कुछ बुरा लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता इसलिए यूकिन वहाँ पे अपने बारे में कुछ अच्छा लिख देती है और ड्राइंग भी बनाती है तभी यूकिन कहती है की मैं इस सब पे अपना टाइम क्यूँ जाया कर रही हूँ अब यूकिन नोटबुक लेकर वापस मुड़ती है तो जीशु जागा होता है यूकिन उसे देख कर डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है जीशु उसे पकड़ लेता है और कहता है की तुम आज के प्रपोजल के बाद यहाँ आधी रात को मेरे लिए आई थी ना और अगर नहीं तो फिर यहाँ क्या करने आई हो ये कहकर जीशु यूकिन को बेड पर गिरा देती और कहता है की फिक्र मत करो मैं तुम्हें डाउन नहीं करूँगा आज घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है और सुबह जिन ने भी कहा था की क्या पता कब ये जीनियस बीस्ट बन जाए ये सुनकर यूकिन डर जाती है और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है अगर आप बाकी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग